तर मोदींनी इंडिया आघाडीवर हल्लाबोल केला. इंडिया आघाडी तीन कट रचत असल्याचा आरोप करण्यात आला. इंडिया आघाडी संविधान बदलणार असल्याचं मोदींनी म्हटलेलं आहे. तर इंडिया आघाडी धर्माच्या आधारे आरक्षण देणार असल्याचं देखील मोदींनी म्हटलं. तर ओबीसी एसटी आरक्षण इंडिया आघाडी संपवणार असल्याचा हल्लाबोल देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला आहे. इन वोट बैंक के भूखे ये सपा वाले एक कांग्रेस वाले बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं ताकि मुसलमानों को आरक्षण देने का उनका जो षड्यंत्र है एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीन लेने का उनका जो षड्यंत्र है उसको कोई अदालत में जाकर के चुनौती न दे सके. देखिए ये तमाम वो लोग हैं जो हारने जा रहे हैं और जब देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के इतने बड़े देश के मुख्यमंत्री की भाषा क्या है, अपना विकास नहीं बता रहे हैं. वैसे तो हर गरीब के लिए वो बुलडोजर तैयार रखते हैं. अगर कहीं घर गिराना हो, मकान गिराना हो तो बुलडोजर तैयार रहता है. लेकिन जितने भी पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक करने वालों के एक एक घर पे ही बुलडोजर चला हो तो बता दीजिए. दवाई कमाई सिंचाई के बारे में बात करनी चाहिए, बेरोजगारी महंगाई गरीबी के बारे में बात करनी चाहिए, बिहार में निवेश कैसे आए, कारखाने कैसे खुले, पलायन कैसे रुके, इस पे बोलना चाहिए. कौन कहाँ बैठेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, ये बड़ा झूठा पार्टी है ये लोग. इनके झूठ और भ्रम से अब जनता मुक्ति चाहती है और पूरा हिसाब इस बार जो है लेने का काम कर रही है. लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा.